हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास ट्वेल्थ की यूनिट है 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका क्वेश्चन 18 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 17 क्वेश्चंस हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, गिव प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग, हमें इनके लिए एक्सप्लेनेशन देनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड, कि जब हम साइक्लोहेक्सेनोन लेते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाता है, साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। बट व्हेन वी टेक 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, कि 2,2 दोनों तो 2 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे हम वहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं तो वो नहीं देता, तो ऐसा क्यों होता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या है कि देयर आर 2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाइजाइड, कि 2 NH2 ग्रुप होते हैं किसमें, सेमी कार्बाइजाइड में, लेकिन जो सेमी कार्बाजोन हम बनाते हैं ना तो उसमें केवल एक ही अपना एमाइन ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है, ऐसा क्यों। उसके बाद थर्ड है, ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट दी वाटर और ईस्टर फॉर्म्ड शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज़ फॉर्म्ड, कि जब हम एसिड और एल्कोहल की हेल्प से एस्टर बनाते हैं तो उस एस्टर को हमें एकदम से हटा लेना चाहिए, मतलब निकाल लेना चाहिए वहाँ से, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। तो अब हम पहले हम बनाते हैं क्या, साइक्लोहेक्सेनोन, ये हमने बनाया अपना साइक्लोहेक्सेनोन। जब हम इसमें डालते हैं HCN तो यहाँ पे क्या होता है अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कैसे देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा, एच प्लस एंड सी एन नेगेटिव में, जैसे ही ये ऐसे डिसोसिएट हुआ यहाँ पे आया ओ नेगेटिव तो इस एच प्लस को ले लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव इस सी एन को ले लेगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ओ एच और साथ में यहाँ से हमें मिलेगा सी एन, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन का क्या बना है यहाँ पे, साइनोहाइड्रिन में हमने क्या पढ़ा था कि जब साइनाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे हो उस टाइम हम उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। ठीक है, लेकिन जो हमने सेकंड केस लेना था वो किसका लेना था, 2,2,6 ट्राईमिथाइल, तो पहले हम यही बनाते हैं, हमने बनाया कीटोन, यहाँ से इसकी नंबरिंग दी 1,2,3,4,5,6 दोनों 2 पोजीशन पे, या तो ये 2 पोजीशन ये हो सकती है या 2 पोजीशन ये हो सकती है, दोनों तो यहाँ पे हमने मिथाइल लगाना है। ठीक है, मान लिया मैं इसको 2 लेके चलती हूँ तो मैंने इसको 2 पे मिथाइल लगाना पड़ेगा और इस 6 पे 1 पे लगाना पड़ेगा, मान लिया मैं इसको 2 लेकर चलूँ तो यहाँ पे 1 मिथाइल लगाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से एक पोजीशन पे तो 2 जगह मिथाइल लगेगा, जो उनसी को हम 2 मानेंगे और जो उनसी 6 वाली बच जाएगी तो उसको हम 1 मिथाइल देंगे। ठीक है, नंबरिंग ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है और ऐसे भी स्टार्ट हो सकती है, तो ये अपना क्या बन गया 2 और 6 पे क्या है ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये HCN के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्यों नहीं देता, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ है कि पहले से इतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा CN उसके लिए जगह ही नहीं बची है, तो इसके लिए क्या होगा, इसीलिए नहीं ये जो अपना ये रिएक्शन है वो नहीं देता, इसमें कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। वैसे हम ये दिखाना चाहें तो जैसे इसमें हमने दिखाया है ना, तो ये कैसे दिखाएंगे हम OH और CN साथ में, यहाँ पे सी एस थ्री एंड यहाँ पे सी एस थ्री, लेकिन इसमें ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया ये, और इसमें क्या है कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमने अच्छी खासी इसकी यील्ड मिल जाती है। तो ये तो था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो अपना सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था कि अपनी जो सेमी कार्बाइजाइड होती है उसमें होते हैं 2 NH2 ग्रुप्स, लेकिन जब सेमी कार्बाजोन बनाते हैं ना उससे तो वहाँ पर हम
एक ही एमाइन ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ऐसा क्यों? पहले हम बनाते हैं क्या सेमी कार्बन एजाइड, क्या होगा यहाँ पे एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, तो देखो ये हो गया अपना क्या सेमी कार्बन एजाइड। सही बात है, यहाँ पे हैं दो फंक्शनल ग्रुप, एक ये एन एच टू है एक ये एन एच टू है, लेकिन क्या बोला है कि जब हमने सेमी कार्बन जोन बनाना होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि एक एच टू और जो साथ में कंपाउंड होता है उसका ओ निकल मिलके यहाँ से एच टू ओ निकल जाता है, लेकिन बात यह है कि इनमें से एक ही इन्वॉल्व होता है। कैसे? देखो यहाँ पे जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये एन एच टू है तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन एच टू, इसने अपने लोन पेयर्स दिए हैं तो एन एच टू प्लस, साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड आया सी ओ नेगेटिव और एन एच एन एच टू। अब जब इससे नेक्स्ट वाली दिखाएंगे लोन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन जो इसके लोन पेयर है वो कंजुगेशन में पॉसिबल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि लोन पेयर तभी कंजुगेशन में हो सकते हैं जब उससे जो नेक्स्ट वाली कार्बन होगी उस पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे है, नेक्स्ट में क्या होगा ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट और ये जो लोन पेयर है पीछे से ये दे देंगे, तो ये अपना बना एन एच टू, ये सी ये ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड एन एच प्लस और एन एच टू। तो देखो एक यही एन एच टू ग्रुप ऐसा है जिसके जो लोन पेयर्स हैं वो क्या हैं, लोकेलाइज्ड हैं, लोकेलाइज्ड है, और रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट लेगा जिसके जो लोन पेयर्स हैं वो लोकेलाइज्ड होंगे, और जो बाकी इनके हैं ना, जैसे कि एन एच है लोन पेयर्स ऑफ एन एच एंड इस वाले एन एच टू का एन एच टू आर इन्वॉल्व इन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, हेंस नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, तो वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होते। जब वो बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे तो कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे जब कार्बन जोन की फॉर्मेशन होगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो अपना एन एच टू ग्रुप है और ये एन एच ग्रुप है ये पार्टिसिपेट नहीं करते किस में, बॉन्डिंग में। ठीक है, अब हम चलते इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में हमसे क्या पूछा था कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि होता है आर सी ओ ओ एच और एक एल्कोहल से हम एस्टर बनाते हैं, बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये जैसे ही एस्टर बन गया ना इसको निकाल लेना होता है, तो इसको इतना जल्दी क्यों निकालना होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था। ये है अपना क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है अपनी अल्कोहल, ये है अपना एस्टर एंटीसीजेंट वाटर, तो हमें पूछा गया कि क्यों निकाला। देखो जब है ना ये क्या होती है, जो ये रिएक्शन है ये जैसे ही जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, और जब अपना एस्टर बनेगा ना हमें इसने हमने इसको नहीं हटाया तो ये जल्दी से किस में, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमें जो रिएक्शन है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो जो एस्टर बनता जाएगा हम उसको हटाते जाएंगे तो नेक्स्ट में बन जाएगा, नेक्स्ट हटाएंगे तो नेक्स्ट वाला बन जाएगा, लेकिन हमने यही नहीं हटाया तो ये आगे एस्टर बनने की बजाय ये वाले जो एस्टर के मॉलिक्यूल हैं वो एसिड एंड एल्कोहल में ब्रेक हो जाएंगे, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, टू शिफ्ट दी इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि जो अपना इक्विलिब्रियम है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए जो वाटर है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, वाटर एंड एसिड शुड बी रिमूव्ड, नहीं तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसा हमें नहीं होने देना है। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 18 वो कंप्लीट होता है, जिसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन 19 देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।